अगर आपके भी यहाँ पे इस पिंचिंग पॉइंट पे आपको उंगली रख के अब बहुत बताते हो कि यहाँ पे मुझे पेन आ रहा है, तो आज हम उसे फिक्स करने वाले हैं वंस एंड फॉर ऑल। स्वागत है आपका आज की वीडियो के टॉपिक पे। राधे राधे आप सभी को। बहुत सारे लोगों को टेनिस एल्बो की दिक्कत आ रही है रिसेंटली। कुछ सालों में ये दिक्कत बहुत बढ़ रही है टाइम के साथ साथ, क्योंकि लोगों का लाइफस्टाइल उस हिसाब से हो गया है। बेसिकली ये एल्बो में पेन तब आता है जब आपको कुछ स्पेसिफिक ओवर यूज के चलते पेन आ सकता है। ओवर यूजिंग का मैं कुछ आपको आइडिया दे दूं। फॉर एग्जाम्पल ये वेट है, ठीक है, ये वेट नहीं है पर ये मान के चलो आपने कुछ चीज आप इसे हल्के से एंगल में उठाओगे तो हमारे इस मसल का मेजर रोल जो होता है उस रेंज को स्टेबलाइज करना होता है, क्योंकि अगर ये मसल काम नहीं करेगी तो ये लोड ऐसे चला जाएगा। फिर उस चीज को आपको संभाल के रखना है तो ये मसल एक्टिवेट रहती है, तो टाइम के साथ साथ उसमें लोड एक्यूमुलेट होने लगता है, तो वो ओवर यूजिंग की कैटेगरी में जा सकती है। अब वो लोड रिलेटेड हो सकता है, या आपके ऑफिस में चलते वक्त कहीं गेट पे कुछ लग गया, या फिर चलते वक्त किसी का होता है ना गेट का कोना लग जाना, लोहा लग जाना, 36 तरह की चीजें हैं वो, उसके चलते टाइम के साथ साथ टेनिस एल्बो आपका बन सकता है। तो सबसे पहली बात, इसे ठीक कैसे करना है। देखिए, जैसे ये स्टेबलाइज कर रही है एक पर्टिकुलर लोड को किसी भी रेंज में, तो उसे सबसे पहले स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप कर क्या सकते हो, आप हाथ में वेट ही लोगे और इसे आप खड़े होके ऐसे हिला सकते हो, इसमें आपकी रिस्ट पूरी स्टेबल रहेगी, ठीक है। अब दूसरा, इसे ऐसे लाओगे, रेंज ऑफ मोशन और एक्शन वाइज थोड़ा आपको ओड लगेगा बट यकीन मानिए बहुत हेल्प करेगी ये वाली चीज। तीसरा, आप इसे ऐसे लेके आओगे, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रेंज को आप एक बात समझिए, जब आप कुछ एक्टिविटी करते हो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जब बाकी मसल्स इन्वॉल्व होने लग जाएंगे तो उस जगह पे लोड टाइम के साथ कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका मतलब है आपको बेसिकली पहले से कम पेन आएगा। तो हम ये इसमें यही कर रहे हैं, हम इसमें अगर हिप थ्रस्ट कर रहे हैं इसमें सेम चीज मैंने अभी बताया, ये स्टेबलाइजर काम कर रही है, लोड ये स्टेबलाइज नहीं करेगी तो लोड नीचे चला जाएगा, तो इसको आपको सम लोड आएगा और जाएगा। इसमें हम बाकी मसल भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, ग्लूट, हैमस्ट्रिंग, बैक वगैरह, ताकि एक पर्टिकुलर जॉइंट पे लोड ज्यादा टाइम तक ना रहे। तो आप ये स्विंग्स कर सकते हो या फिर डेली लाइफ एक्टिविटी में, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट गए हो, आपने एक हाथ में कुछ सामान उठा लिया, आपको सिर्फ उसे वेव करता हुआ चलना है और यहाँ पे आके एक सेकंड का, हार्डली एक सेकंड का आपको होल्ड देना है और फिर से आप स्विंग करना छोड़ दोगे, फिर ऐसे लेके जाओगे फिर छोड़ दोगे। तो ये कुछ भी चीज को आपको ठीक करना है एक दिन में तो जाहिर सी बात है नहीं होगी, बट उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना स्टार्ट हो जाएगा, वो चीज स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाएगी, मूवमेंट में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हम ये जो ड्रिल कर रहे हैं इसका मेन रोल है कि आपकी पर्टिकुलर उस जगह पे ब्लड फ्लो आएगा ताकि रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका अगला स्टेप है कि आप धीरे धीरे उस पर्टिकुलर जॉइंट पे आप स्ट्रेस डालना स्टार्ट करोगे। स्ट्रेस में आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर लोड में इस तरह से आप बैंड पकड़ के आप ऐसे लेओगे, ठीक है, इसे 90 डिग्री पे रखोगे, पूरा लेके आओगे, फिर दूसरी साइड से लेओगे, यहाँ से पूरा लेके आओगे, मतलब आप ऐसे ऐसे पूरा आपको उस जॉइंट को चलाना है। अब इसमें टाइम के साथ आप जैसे जैसे बैंड आपको थोड़ा लूज होना स्टार्ट हो जाएगा वैसे वैसे डंबल, और धीरे धीरे आप अपने वापस उन्हीं एक्सरसाइजेस पे आप शिफ्ट हो सकते हो। तो ये बहुत बेसिक एक्सरसाइजेस हैं, बेसिकली हम एक पर्टिकुलर मसल पे कम लोड के साथ टाइम, मतलब TUT बोलते हैं इस चीज को, टाइम अंडर टेंशन, उस चीज पे हम काम करेंगे। थोड़ा सा लोड बढ़ेगा टाइम के साथ साथ, वो स्ट्रेंथन होगी, आप दोबारा अपने वापस एक्टिविटी में जा सकते हो। तो ये था आपका रिहैब आज का टेनिस एल्बो का। आज मेरी डेडलिफ्ट है, अगर आपको देखनी है तो वीडियो पूरी देखना, आपको उसमें समझ आ जाएगा मेरा प्लान किस हिसाब से होता है। तो चलिए चलते हैं सीधा जिम की तरफ। तो डन आ गए हैं अपनी लोकल जिम में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना डेडलिफ्ट का वर्कआउट। Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks
what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me, respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. यहाँ पे होता है हमारा आज का वर्कआउट. आपका कोई इंजरी इशू है या फिर कुछ भी रिहैब वगैरह चाहिए तो हम नीचे मुझे कमेंट में डाल देना, उस चीज़ को अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करके आपको रिहैब दे दूंगा एंड उसका स्पेसिफिक बता भी दूंगा कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है और ये क्यों हुआ है. तो चलिए ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, तब तक के लिए बाय.